बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का खसूसी तौर पर एहतमाम किया गया है। जो भी हवातीनों हज़रात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनके लिए दुआ की जाएगी। आज मैं जो अमल आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ये जोहर की नमाज के बाद का अमल है और इंशाअल्लाह ताला इस अमल के करने से आपके रिज्क में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और आपकी ज़िंदगी की रुकावटें और बंदिशें ख़त्म होंगी। अमल बहुत ही आसान है और इसकी तरतीब भी बहुत आसान है। असल में ये अमल कुरान पाक की एक सूरत का है जिसको जोहर की नमाज के बाद अगर आप पढ़ लें तो अल्लाह पाक आपके लिए बहुत ज़्यादा रिज्क वसी फरमा देंगे। अमल का तरीका आप समझ लें। अव्वल और आखिर आपने तीन बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी पढ़ लें जो नमाज में पढ़ा जाता है। उसके बाद 10 बार अल्लाह पाक का इस्म मुबारक या रज़ा को पढ़ना है, सिर्फ 10 बार, 10 टाइम्स, और 10 बार यानी 10 टाइम्स ही सूरह कौसर पढ़नी है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि रब्बी का वनहर इन्ना शानी आका हुवल अब्तर। हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 10 बार सूरह कौसर पढ़ लें। इसके बाद आपने 10 बार चारों कुल पढ़ने हैं। चारों कुल आप सबको पता है, चारों कुल चार सूरह काफिरून, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास। इन चारों सूरतों को आपने 10-10 बार पढ़ना है, यानी चारों कुल को आप 10 टाइम्स 10 बार पढ़ेंगे। इसके बाद आपने 3 बार दरूद पाक पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी। जब ये आपका इतना अमल मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद आपने 1 बार कुरान पाक की महबूब सूरत, अल्लाह पाक की महबूब सूरत, कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत सूरह मुजम्मिल 1 बार पढ़नी है। और ये अमल अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर तसलसल से करते रहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप इस अमल की बरकतें अपनी ज़िंदगी में देखेंगे कि अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखरत की हर नेमत से नवाजेंगे, आपका रिज्क बहुत वसी कर देंगे, आपकी ज़िंदगी की जो तंगियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगी की बंदिशें रुकावटें जो हैं वो बिल्कुल टूट जाएंगी, टूट कर रेजा रेजा हो जाएंगी। और इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बदौलत अल्लाह पाक आपको इतना अता फरमाएंगे कि आपको किसी के सामने कभी भी हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। बहुत मुख्तसर सा अमल है, जोहर की नमाज के बाद अपनी ज़िंदगी में इस अमल को शामिल कर लें, सुभान अल्लाह। व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।